यहाँ भी गिर गया, ये अंदर चला गया, इसको बाहर निकालना थोड़ा सा। और भाई क्या डर लग रहा है नीचे देखने में, चक्कर आ रहा है। अभी तक का फर्स्ट हायाबुसा है मनांग पे। सुना आपने कह रहा है सब्सक्राइब टू जे फिल्म्स। इस जगह को बोलते हैं लोअर पिसांग वन। ये गिरा मैं नहीं गिरा। ची चिकोड़ ची 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 चिकोड़। गुड मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनांग। सच्ची में यार बहुत खूबसूरत जगह है, पीछे का व्यू बहुत अच्छा है अन्नपूर्णा रेंज का। एंड जिस होटल में हम लोग रुके थे इसको बोलते हैं गंगापूर्णा, वो है अन्नपूर्णा रेंज और ये है गंगापूर्णा। और अभी टेम्परेचर सुबह में -5 था, ठंडी बहुत ज़्यादा है, बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है। बट अपनी पार्किंग बहुत अच्छी लगी मेरे को, मतलब बिल्कुल होटल के साथ दीवार के पास चिपका के कल मैंने बाइक लगा दी थी। एंड अगेन क्रेजी रिएक्शंस मुझे यहाँ पे मिले, मतलब लोकल्स आए मेरे से मिलने के लिए, उन्होंने पूछा मुझसे कैसे लेके आए। मैंने कहा भाई मैंने अपना चैनल वैनल दिखाया, मैंने कहा मैं ऐसा चीज़ करता रहता हूँ, बट सीरियसली इट वाज ऑल वर्थ कमिंग हियर बिकॉज पहली बार था ना, तो पहली बार कुछ भी आप एक्सपीरियंस करो तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे ये जगह, ये छोटा सा विलेज, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ का स्टे सब बहुत अच्छा लगा। भाई देखो ऊपर भी लकड़ है नीचे भी लकड़ है, तो पुराने स्टाइल से बनाया गया क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जस्ट पीछे ही माउंटेन्स है ना, और सांस भी चढ़ता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड है। और इम्पॉर्टेंटली ना यहाँ पे आपको सारे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छे कैफ़े हैं, आप कैपेचिनो पी सकते हो, पिज़्ज़ा खा सकते हो, हमने कल किया ये सब कुछ। एंड इनफैक्ट जहाँ आपको उम्मीद नहीं होगी ना कि यहाँ पे इंटरनेट चलेगा, वहाँ भाई 4G 5G की स्पीड चल रही है, वाईफाई आपको मिल रहा है, अच्छे रहने के कमरे मिल रहे हैं। एक ट्रिक है यहाँ पे बता दो आपको, आपको ना स्टेज बहुत सस्ते मिलेंगे। जैसे हमें ये मिला है 1000 रुपये नेपाली, मतलब इंडियन करेंसी 600 रुपये में कमरा, बट एट द वेरी सेम टाइम खाना बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो जब अभी बिल बनेगा ना वो आएगा 4-4.5 हज़ार रुपये नेपाली। समझ ना आई क्या बोल गया था पता ना। तूने क्या किया फिर? पर मेरी बेइज्जती कर गया मुझे। इसको कुछ बोल गया, हम जाके बदला लेंगे तेरा पैसे बदला लेगा। हाँ तो इसको कोई बोल गया, इसे समझ नहीं है क्या बोल गया क्योंकि इंग्लिश में बोला था। वो बैंक के बारे में पूछ रहा हुआ पक्का। हाँ बाइक वाइक सारे वो समझ गया, बट फिर वो तूने रिप्लाई क्या दिया? मैंने तो उसकी पूछ ली, मैं सिंगल सेंटर ट्विन सेंटर तो सो रही मगा, सिंगल सेंटर ट्विन सेंटर ट्विन मगा दे, इज दिस योर्स? वैसे सुबह ना मैंने फ़ोन से कुछ यहाँ से रिकॉर्ड किया था, अभी आप ओवरले में देख लो, बंदा यहाँ बैठे और नज़ारे ले, सनराइज़ हो रहा था। अभी थोड़ा क्लाउडी हो गया है और ये ऊपर में ना कॉमन रूम है जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी भी रहता है, किचन भी पास में है तो खाना वाना वहीं मिलता है। और एक जुगाड़ है, ये देख रहे हो बोतल, ये किस काम आती है? दरवाज़ा बंद करने के काम आती है। ऊपर जाके दिखाता हूँ, ये दरवाज़ा बंद हुआ, ये रस्सी नीचे चली गई, तो इससे दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। डोर क्लोजर का काम कर रही है वो पानी की बोतल। सुना आपने कह रहा है सब्सक्राइब टू जे फिल्म्स। काश यार लाइफ इतनी फन होती है ना, हर बात पे हम नाचते हैं। ये चाय आ गई, ये मनांग आ गई, ये भाई लोग निकलने की घड़ी है 7:12। टेम्परेचर अभी भी है -3 -4 मैंने चेक किया था। ट्रिप मीटर मैंने जीरो कर लिया है, एक ही मुझे टेंशन है, देखो फ्यूल बहुत कंज्यूम हो गया भाई, इतनी उम्मीद नहीं थी। 111-112 किलोमीटर में आधे से ज़्यादा गया, बट फिलहाल आई एम मेड अ फ्रेंड फ्रॉम स्पेन। ओके ब्रो टेक केयर। सो ही इज़ राइडिंग दिस क्रॉस फायर एंड यू नो ही इज़ द पायलट, ही फ्लाइज हेलीकॉप्टर्स इन काठमांडू, यू नो। अच्छी जगह है भाई, दोबारा बोल रहा हूँ, दिल खुश जगह है, बट ये ब्रेकर ना बहुत पेन है भाई, इतने बड़े बड़े ब्रेकर बनाए इन्होंने। सो ये था वो तिलिचो बेकरी जहाँ हमने कल एप्पल पाए खाया था और साथ में कॉफ़ी पी थी कैपेचिनो। एंड लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, रेडी हो रहे हैं, पार्टी मोड ऑन ऑलरेडी। वाओ व्हाट अ शॉट ब्रो, व्हाट अ शॉट। तो भाई ये एंट्री है मनांग की, ठीक है?
तो हमने क्या किया ना, अभी एक रील भी निकाल लिया है इंस्टाग्राम के लिए। आप लोगों से भी इसी बात पे रिक्वेस्ट है, डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम भाई। अब क्या करें, यूट्यूबर्स हैं, थोड़ा वक्त लगता है। हम अभी चले थे, सिर्फ 2 मिनट हुए थे, फिर रुक गए। कोई बात नहीं, आज थोड़ा जल्दी है। वैसे ये वाले पहाड़ का स्ट्रक्चर देख के स्पीति का याद आता है, और जब आप खांगसर जाओगे ना, आपको ऐसे और दिखेंगे, तो आपको एक बार को लगेगा थोड़ा स्पीति से रिलेटेबल है। बट पीछे में ये जो है ना, स्नो कवर्ड पीक्स, अन्नपूर्णा रेंज, अन्नपूर्णा 1, 2, 3 ऐसे ना, बहुत खूबसूरत है यार। बहुत क्लोज है हम लोग इसके, बहुत क्लोज। हम चले थे बहुत समय से, बट अभी आपको समय दिखाऊंगा तो आप भी घबरा जाओगे। 8:20 हो गए यहीं पे खड़े खड़े, क्योंकि पिछले 50 मिनट से हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी भाई, सब्सक्राइबर JS प्लम सब्सक्राइब किया, इसको भी करवा दियो, इसने नहीं किया, देखा हाथ नहीं मिलाया मेरे से, सब्सक्राइब करा देने इसको भी। और बताओ भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बाइक है? चाइनीज है, क्या बोलते इसको? हुजू। वाह, कितना सीसी? 150। तो बिल्कुल अलग जगह पे अभी हम लोग हैं, इस रूट से हम आए नहीं थे, ठीक है, वापस जा रहे हैं, क्योंकि लोकल्स ने बोला एक रूट और जाता है, वो ट्राई कर लो। तो हमने कहा चलो कर लेंगे। अभी पता नहीं कैसा रहेगा ये रोड, सो फार तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो मनांग से अब जब बाहर निकलोगे ना, ये रूट मिल सकता है आपको, पूछ के जाना, ठीक है, वापसी में पूछ के जाना, क्योंकि 100% हम इस रूट से नहीं आए थे। अब ये रूट कैसा रहता है इस व्लॉग में तो आपको पता लग ही जाएगा, खैर, क्योंकि हम आपको एक समरी दे देंगे। यहीं तक रोड अच्छा था, आगे देखो रोड कच्चा हो गया है, दिल में थोड़ा बच्चा हो गया है, तो मैं तो यहाँ से उतार के थोड़ा कच्चे में ले जाऊँगा, उस तरफ में जाके बाइक दौड़ाऊँगा या ले चलता हूँ इसी के ऊपर ही, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना भाई। भूसा है, इसने सब कुछ झेल लिया है, तो ये थोड़े से पत्थर झेल लेगी तो क्या ही हो जाएगा, है ना। जस्ट वाओ गाइस, जस्ट वाओ। देखो मतलब निकले हैं हम और जंगल में पहुंच गए हैं, और हमारी हो रही है जंगल राइड। मेरे को बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला सिचुएशन, समझ रहे हो, मज़ेदार है। बट 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दूसरा रास्ता है भाई, हम यहाँ से नहीं आए थे। और थोड़ा मन में घबराहट भी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल आपके भाई की बाइक में, भूसा में पेट्रोल नहीं है। उम्मीद नहीं करी थी इतना उड़ेगा, समझ रहे हो, उड़ गया, कोई बात नहीं। अब क्या सीन है, मिलता है यहाँ पे, हमने पता किया था कल, वो शॉप सुबह बंद थी, तो भी प्रॉब्लम में आ गए हम लोग। हमारी वीडियो बनाई जा रही है, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। लोग चौंक जाते हैं भाई, कैमरे निकाल लेते हैं, देखो लोगों को मजा आता है भाई रेव का, जहाँ जाते इशारे करते हैं और खुश होते हैं जब मैं रेव करता हूँ, पता है, गुड फीलिंग ब्रो, गुड फीलिंग। और एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने देखा होगा जब हम यहाँ चढ़े हैं ना, हमने ना ड्रोन नहीं उड़ाया, क्योंकि नो फ्लाई जोन है, अन्नपूर्णा रेंज में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। सो इट वॉज नॉट लीगल, वी ओबेड, वी फॉलोड, यू नो, वी फॉलोड द रूल, इसीलिए आपको ड्रोन शॉट नहीं देखने को मिला यहाँ से कोई भी। ची चिकड़ ची 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 चिकड़ ची। अब हम कह सकते हैं हम मनांग की ना गली गली घूमे हैं, देख रहे हो, इस गली में लोग नहीं आते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, हम घुस गए हैं, ठीक है। हमने लोकल से पूछा डी टूर करके हम कैसे उस तरफ पहुंच सकते हैं, उन्होंने बताया ये रूट ले लो, देखो हम यहाँ भी पहुंच गए हैं। ओके, रोड नॉट सो गुड, वैसे रोड तो है ही नहीं, बट रूट को रोड बोल देंगे तो चलेगा भाई, ठीक है। इस जगह को बोलते हैं लोअर पिसांग 1। ओके गाइस, लोअर पिसांग 1, और हमें पिसांग लेक जाना है, इसीलिए हम ना ये रूट को फॉलो कर रहे हैं। अगर हमें सीधा बेसी शहर जाना होता तो शायद जिस रूट पे हम लोग थे ना, वो आगे निकल जाता। एंड दिस इज छोटा सा विलेज, ब्यूटीफुल वन, यहाँ पे जल्दी लोग आते नहीं है, देखो हम आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे थ्रू आप भी देख रहे हो। वाओ, और जितने विलेज आएंगे ना, उसमें आपको बीच में ही दिखेगा बुद्धिस्ट समथिंग, यू नो, ये व्हील्स हैं छोटे छोटे, इनको घुमाते हैं एंड प्रेयर्स होती हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, बाय बाय। हम इतने बुरे फंसे दोस्तों, बता नहीं सकते, मतलब कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है, पेट्रोल कम होता जा रहा है। अब किसी ने हमें बताया था सस्पेंशन ब्रिज है, चले जाओ, उसे नहीं पता भूसा है भाई यहाँ से नहीं जाएगी, वहां से कैसे चढ़ाएंगे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। हमें अब उस तरफ जाना है और नहीं हो पाएगा। फिर मुझे लग रहा है कि यार यही ट्रेल को फॉलो करते हैं, वो जो लेक है उसको बाय बाय यहीं से दूर से कर देते हैं,
आगे से ये रास्ता तो बेसी शहर जा ही रहा है, ठीक है, हमें बेसी शहर जाना है, एंड गेम तो वही है, या तो वही करते हैं, है ना, क्योंकि फ्यूल भी इतना नहीं है कि पीछे जाएं दोबारा से फिर ढूंढने की कहां से वहां जाएंगे हम। फाइव मिनट्स ओके बाय। वही है भाई, पीछे 5 मिनट बैक चलो, एक ब्रिज आएगा ऐसा सस्पेंशन वाला, वहां से हम लोग उस तरफ जाएंगे, इस पे नहीं जाएगा, उस पे जाएगा। तो ये बोल रहे हैं भाई इस वाले पे नहीं जाएगा, उस वाले पे जाएगा, उधर से जाओ आगे, चलो यू टर्न मारो। सो दोस्तों ये कट था जो हमने मिस कर दिया था, सिर्फ 5 मिनट आगे पहुंचे थे। ये लिखा है देखो, वे टू ग्रीन लेक, इधर से हमें नीचे उतरना है, आगे आएगा सस्पेंशन ब्रिज। एंड लोकल्स ने तो बोल दिया है कि चली जाएगी, और वो सैम उधर से बोल रहा है कि भाई मत लेके आओ भूसा यहाँ पे, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ओके सो नीचे चले क्या, चलते हैं भाई, इतना क्या डरना है ना, हम आए यही काम करने के लिए थे तो यही करेंगे। थोड़ा स्टीप है, ग्रेवल ज़्यादा है, पत्थर ज़्यादा है, बट सामने मेरे को दिख रहा है सस्पेंशन ब्रिज, मुझे बस एंट्री और एग्जिट देखना है सस्पेंशन ब्रिज का। रुक जा, कैमरा लगाऊंगा। कैमरा लगाना है, रुक जा। तो फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज एक्सपीरियंस फॉर माय नीलिमा, वाओ। पिछली बार मैं आया था जीएसए पे, अभी भूसा पे, और भाई क्या डर लग रहा है नीचे देखने में, वही चक्कर आ रहे, ओह माय गॉड, दिस इज इनसेन, ना लेफ्ट देखा जा रहा है ना राइट, घबराहट हो जाती है एक बारी को। लवली वाओ, लेट्स होप बस एग्जिट भी अच्छी है यार, स्मूथ है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। यू मस्ट ऑल्सो ट्राई, मजा आया, मैं तो 3 बार किया ना, दिल और कर रहा अभी जाने का, मुझे नहीं पता आगे से रास्ता हमारे लिए है या वापस आना पड़ेगा, बट पहले जा रहे हैं हम लोग ग्रीन लेक देखने के लिए, वो देखने के बाद में हम शायद वापस आएंगे तो एक राउंड और हो जाएगा आगे से, यहाँ से दूसरा रास्ता कनेक्ट हो गया तो भी कोई बात नहीं। अब ऐसे वाले ट्रेल पर डर्ट बाइक वालों का तो क्या ही मजा आता होगा ना, गोली बनाते हुए जाते होंगे, मिट्टी उड़ाते हुए, भै 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 भै, बट हमारी भूसा भी कम नहीं है भाई, ऑलमोस्ट हर जगह गई है जहाँ तक नॉर्मल बाइक जा रही है। और यहाँ कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं, सैम को कैंपिंग का याद आ रहा है, क्योंकि ये है ग्रीन लेक हमारे लेफ्ट में, बहुत ही खूबसूरत, विच इज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो क्लीन वाटर। ऐसा भी कहते हैं यहाँ पे अगर पत्ता भी गिरता है तो चिड़िया आके ले जाता है, राइट, आई एम राइट। और ये मेरे भाई लोग हैं यहाँ से, ये तो इंडिया से हैं मेरे हिसाब से, है ना भाई, कहाँ से आप? हम लोग वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वाओ, तो ये यहीं से हैं, मनांग से ही। तो अभी आपने क्या बोला, ये अभी तक का फर्स्ट हायाबुसा है मनांग पे? यस, यही है भाई, यही है, हम भी यही बोल रहे है, और ये ऑथेंटिक है, हमें इतना अच्छा रिएक्शन मिला वहाँ पे, पूरा विलेज आ गया इसको देखने के लिए, हमने होटल के बाहर लगाया, एक एक बंदा आके इंक्वायरी करके गया कि कोई दिक्कत तो नहीं, इनफैक्ट फॉरेनर्स ने भी पूछा, जो भी देखा ना, कुछ लोगों ने बाइक रेंट किया हुआ था फॉरेनर्स ने, दे स्टॉप्ड स्पेशली, वीडियो निकाला पहले, फिर बोला हाउ कम मैन, सही है भाई, बट फन यार, मेरे को ऐसा ही किक मिलता है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं ये वो डर्ट बाइक पे कर रहा होता ना, मेरे को किक नहीं मिलता, मेरे को किक मिलता है ऐसा बाइक पे करने का। क्या कह रहा है सैम, घर नहीं जाना? और ये वाला सैम स्पेशली कह रहा होगा यार काश यहाँ मैं कैंपिंग का सामान लाता, पूरा अपना इसुजू लाता, क्योंकि हमें वहाँ एंट्री पे दिखे थे कुछ लोग वहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं, एंड अभी भी कुछ लोग वहाँ बैठे थे, चिल कर रहे थे, चाय बना रहे थे। भाई लोग जाने का दिल नहीं कर रहा, बट जा रहे हैं हम बाय बाय करके इस लेक को, प्योर वाटर, क्लीन वाटर, ठंडा वाटर। 10:30 हो रहे मेरे हिसाब से, एक्चुअली 11 बज गए, हमने कम से कम 1 घंटा बिताया यहाँ पे, कम से कम, ना चाहते हुए भी ना, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे हमारा 1 घंटा लग ही गया है। थोड़ी सी भाई पागलपंती भी जरूरी है, थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। सो भाई लोग यहाँ रुके हुए थे, मैं कोशिश करता ड्रिफ्ट मारने की, ये भी ऑफ नहीं हो रहा है, तो ड्रिफ्ट नहीं लग रही है।
बूम 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 उड़ जाएगा तू, उड़ जाएगा। ओह माय गॉड बूसा, आई लव यू। वैसे दोस्तों आप लोगों से पहले भी कहा था, बहुत फन जगह है, नई जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, स्पेशली ये वाली स्ट्रेच जिसको बोलते हैं समथिंग समथिंग, जहाँ पे है ग्रीन लेक, ठीक है, पिसांग पिसांग, जैसे होता है मनांग वैसे ही है पिसांग। तो इधर आना है, मस्ती करनी है, फुल इंजॉयमेंट है, फुल, ठीक है, करो आप लद्दाख स्पीति भी, बट इसको भी कंसिडर करो भाई, बहुत खूबसूरत है। आई एम इन लव विद मनांग, सीरियसली भाई, बहुत सारे यहाँ एडवेंचर हैं, बहुत फन है, अच्छे लोग हैं, नई नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, यू विल ऐड सम न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज टू योर लाइफ, यू नो आई लव्ड इट। अब बूसा पे कर लिया है, अगली बार यही जगह पे आऊँगा डर्ट बाइक के साथ में, और मज़ा आएगा, मतलब अलग से खुदाता हुआ जाऊँगा, ऐसे 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 एक एक टायर पे, ऐसे विली विली मारते मारते एक एक टायर पे। अरे मैं भूल गया था पेट्रोल नहीं है, बहुत पेट्रोल उड़ा दिया, अरे बाबा। वो एक कोट है, कमेंट करना एग्जैक्ट कोट क्या है, कि भाई दो रास्ते डाइवर्ट हुए, एक गया वुड्स को, मतलब फॉरेस्ट को, एंड आई टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड। तो वो वाला फीलिंग है अभी, बिल्कुल आज ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल मैं ही मैं चल रहा हूँ, मेरे जो दोनों भाई हैं वो काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि वो रुक गए थे फ़ोटो वोटो करने के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है भाई सोलो चलाना भी, मतलब थोड़े देर के लिए सही, बट अपने आप से बातें करके और मज़ा आता है, आपसे करके भी आता है। भूसा नाराज नहीं होना है, तेरे को मैं फुल सर्विस करवाऊँगा, दिल्ली जाके ले जाऊँगा सुपर सुजुकी, बोलूँगा भाई आया सारे इंजर पिंजर खोल दो, अच्छे से क्लीन कर दो, वॉश कर दो, है ना, पूरा थ्रॉटल बॉडी, एयर फिल्टर एंड ब्रांड न्यू इंजन ऑयल डालेंगे भाई तेरे में, ब्रांड न्यू, नाराज नहीं होना है। बड़ा वाला में कम आवाज है, रेडी, ऐसा आवाज है, ठीक है, चलो। तो भाई स्वीट से बच्चे ने रोक लिया मेरे को चामे में, ये जगह को बोलते हैं चामे, तो बोला भैया एक बार रेव कर दो, कह रहा है मॉडिफाई नहीं करा है साइलेंसर, मैंने कहा किया है भाई, बट लॉन्ग कैन लगा हुआ है इसलिए ज़्यादा आवाज़ नहीं है, अभी रेस फिट होता तो सब हिल जाता भाई। कल यहाँ रुके थे, दोबारा आ गए, देख रहे हो, दीदी को हेलो करने के लिए, ये सो भाई देखो जश्न तो यही होगा ना, हमने कंप्लीट कर लिया मनांग बढ़िया से, अब पार्टी अभी से चल रहा है। ये गिरा, मैं नहीं गिरा, मैं कहीं नहीं गिरा, ये तो हर ये यहाँ से निकला और गिर गया, मेरे को भी गिराया, पैर पे लगाया। तो भाई जहाँ पहले रुके थे दीदी के पास, दोबारा रुके लंच करने को, और इधर बहुत सारे भाई लोग मिल गए जो ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों एक चीज दिखाने वाला हूँ, देखो ऐसे पॉट्स ना जगह जगह रखे हैं, क्योंकि लामा लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ से, उनका एक रैली हो रहा है, बेसिकली एक रिलीजियस वॉक है मेरे हिसाब से। ये वाला बहुत बढ़िया फ्लेवर है, यस, मजेदार खुशबू आ रहा है, जल्दी से खा लेते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगे, और अभी ना 6-7 घंटे अभी बाइक और राइड करना है ना। मुझे लग रहा है सैम क्रैश हो गया भाई, क्योंकि एक बंदा यहाँ है, एक बाइक वो रही, लोग भी उतरे हुए, सो गिर गया ये, आई होप इसको चोट ना लगी हो, आई होप बाइक डैमेज ना हुई हो। इसका जो लीवर है ना गियर शिफ्टिंग का, अंदर चला गया काफी। रुक जा, सीधी करेगा उस तरफ कर, बैठ जा, एक बंदा बैठे या उस तरफ हो चुका, यहाँ भी गिर गया, ये अंदर चला गया, इसको बाहर निकालना थोड़ा सा।